आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं हूं सुगंध और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टर यानी कि रणवीर सिंह के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि रणवीर सिंह ने अपनी पत्नी दीपिका को छोड़ आलिया भट्ट को एक नायाब तोहफा देने की बात करी है। रणवीर और आलिया एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रिलीज हुई गली बॉय, जिसमें इन दोनों की बेहतरीन बॉन्डिंग देखने को मिली और साथ ही साथ इनका किसिंग सीन भी देखने को मिला। तो रणवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वो फिल्म की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट को पूरी तरह से समझ चुके हैं और ऐसे में वो आलिया को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो फिर आइए डालते नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या देना चाहते हैं रणवीर सिंह आलिया भट्ट को। वेल, ये खबर सुनने के बाद यकीनन कहीं दीपिका भी गुस्से से लाल ना हो जाए। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण नहीं बल्कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट को गिफ्ट देना चाहते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की स्टारर फिल्म गली बॉय हाल ही में रिलीज हुई थी, जिसने काफी अच्छी कमाई करी है। तो वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म दर्शकों के दिलों में काफी अच्छे से छा गई है। दर्शकों को ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी नजर आई है। इस फिल्म ने वाकई काफी रफ्तार पकड़ी और अभी तक फिल्म 50 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है। तो वहीं हाल ही में रणवीर सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि वो आलिया भट्ट को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। खबरों की माने तो फिल्म के दौरान रणवीर और आलिया एक दूसरे को काफी समझ चुके हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक दूसरे के बारे में मजेदार बातें बताई हैं। रणवीर के बारे में आलिया ने बताया कि रणवीर की साइलेंस ही इनकी ताकत है और ये वाकई में बेहद ही ज्यादा संवेदनशील व्यक्ति हैं। वहीं दूसरी तरफ आलिया ने बताया कि वो अपने काम और रूटीन को लेकर काफी तनाव लेती हैं, जिस पर रणवीर ने कहा कि इनको बूम बॉक्स की जरूरत है ताकि ये खुद को शांत रख सके। रणवीर ने यह भी कहा कि मैं आलिया को ये गिफ्ट करना चाहता हूँ। रणवीर ने बताया कि म्यूजिक बेहद मददगार होता है और उन्होंने बताया कि उन्हें म्यूजिक से प्यार है। रणवीर बताते हैं कि वो हर सिचुएशन, चाहे वो कार हो, जिम हो, शॉवर हो या एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, मैं म्यूजिक चलाना पसंद करता हूँ, इससे मूड अच्छा रहता है। रणवीर ने एक मजेदार बात भी बताई। उन्होंने कहा कि वो पहले सोचते थे कि जब भी वो बड़े स्टार बनेंगे वो थीम म्यूजिक के साथ चला करेंगे। उन्होंने बताया कि वो रेसलर्स से प्रभावित थे। जब भी रेसलर्स की एंट्री होती है तो थीम म्यूजिक बजता है। मैं अपनी जिंदगी को फिल्म की तरह जीना चाहता हूँ और हर सिचुएशन के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। वही आपको बता दें कि अब रणवीर सिंह आलिया को भी एक म्यूजिक सिस्टम गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि आलिया भट्ट ज्यादा तनाव ना ले। रणवीर सिंह ने खुद कहा है कि आलिया को बूम बॉक्स वो गिफ्ट करना चाहते हैं। अब देखना ही काफी दिलचस्प होगा कि आखिरकार रणवीर आलिया को ये नायाब तोहफा कब देते हैं। वेल, ये खबर सुनने के बाद रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण के भी कहीं होश ना उड़ जाए, कहीं वो गुस्से से लाल ना हो जाए। वेल, दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के बारे में बताया कि किस तरह से रणवीर सिंह ने आलिया को गिफ्ट देने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, पर आप निराश ना होइए। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मजेदार और चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।